दोनों ही अजेय योद्धा जिनके पराक्रम की गाथा ग्रंथों में मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर बर्बरीक और अंगराज करण का भयंकर युद्ध होता तो इन दोनों के युद्ध का क्या परिणाम होता? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाबली भीम महापराक्रमी बर्बरीक के दादा थे। इस प्रकार अंगराज करण भीम के बड़े भाई थे, यानी बर्बरीक पांडवों के परिवार से थे। बर्बरीक बाल्यकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला अपनी माँ से सीखी और माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या कर अपराजेय वैष्णव शक्ति प्राप्त की और इनको तीन बाणधारी भी कहा जाता था, यानी यह तीन बाण तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। वहीं अंगराज करण की बात करें, अंगराज करण के पास विजय धनुष और जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल थे, जिसे किसी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इस प्रकार वे भी एक अजय योद्धा थे। एक समय अनजाने में बर्बरीक और उसके दादा भीम से उनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, लेकिन भीम बर्बरीक को परास्त नहीं कर सके थे। लेकिन दोस्तों, अगर श्रेष्ठ पांडव अंगराज करण का युद्ध बर्बरीक के साथ होता तो बहुत ही प्रलयंकारी और भयंकर होता, क्योंकि दोनों ही महाभारत के अजय योद्धा थे। और जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों का युद्ध होता तो दोनों के युद्ध का कोई भी परिणाम ना होता। यदि इस युद्ध का परिणाम होता, क्योंकि समस्त दिव्य अस्त्र दोनों ही योद्धाओं को प्राप्त थे, जिसका प्रयोग अगर दोनों ओर से किया जाता तो सृष्टि का विनाश हो जाता। परंतु दोस्तों, हम फिर भी इन दोनों की शक्ति की तुलना करें तो कहीं ना कहीं बर्बरीक में बहुत ही ज्यादा शक्ति थी। बर्बरीक को उनकी माँ ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर चलते रहे। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है, उनके पास जो अजय तीन अस्त्र थे, उनमें से एक ही अस्त्र से वह महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। और बर्बरीक निर्बल कौरवों का साथ देना चाहते थे, जिस कारण विवश होकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उन्हें रास्ते में रोका और जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई। और धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से बर्बरीक का सर काट दिया। लेकिन बर्बरीक की यह अपराजेय शक्ति का कारण श्री कृष्ण द्वारा मुक्ति लेना था, जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त हुई। वहीं अंगराज करण की बात करें तो अंगराज करण का वध बल्कि उनके गुरु के श्राप ने किया था। इस प्रकार दोनों अजय योद्धाओं का वध हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले।